तो हम बने हुए हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर जो धर्मशाला से आ रही है। वहां पर भारतीय टीम ने 8 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है और इसके साथ ही सीरीज पर भी 2-1 से कब्जा कर लिया है। टीम इंडिया की बड़ी जीत ये और ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराने के साथ ही 2-1 से सीरीज पर कब्जा कर लिया। खास बात की अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भारतीय टीम मैदान पर उतरी थी। विराट कोहली इंजरी की वजह से इस मैच में हिस्सा नहीं थे, लेकिन फिर भी काफी आसानी से ऑस्ट्रेलिया को मात देने में भारतीय टीम कामयाब रही और आगे बढ़कर लीड किया अजिंक्य रहाणे ने, जो आज बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। 2 विकेट गिर चुका था, ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम कुछ झटके सह सकती है, लेकिन गियर बदला अजिंक्य रहाणे ने और भारतीय टीम को एक आसान जीत दिला दी। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ हमारे रिपोर्टर विकास श्रीवास्तव मुंबई से फैंस के साथ मौजूद है। फैंस के लिए भी खास दिन और नवरात्रा के का शुरुआती दिन है ये, और ये प्रसाद जीत का कहा जा रहा है भारतीय टीम की तरफ से। विकास का रुख करेंगे, विकास फैंस काफी खुश होंगे, आज जो है जीत का प्रसाद भारतीय टीम ने दिया है फैंस को। जी बिल्कुल, देखिए नवरात्रि के पहले दिन एक किस्म से समूचे हिंदुस्तान को ये जीत का प्रसाद टीम इंडिया की तरफ से मिला है, लेकिन मुंबई के लोगों की बात करें तो उनके पास खुशी मनाने की दोहरी वजह है, क्योंकि ये पहला मैच है जो अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी में जीता गया और अजिंक्य रहाणे मुंबई से बिलोंग करते हैं, लिहाजा लोग उनसे एक तरह से जुड़े हुए हैं। यहाँ बात करते हैं, कुछ क्रिकेटर्स हमारे साथ हैं मुंबई के शिवाजी पार्क पर। इस जीत का आप लोगों को इंतजार था, राइट? जी, जिस तरीके से इंडिया जीती है टीम अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, अपनी टीम इंडिया जीती है, कंगारू को ऐसे हराया। कंगारुओं को हराया, लेकिन इतना आसान नहीं था पहला मैच, हम जिस तरीके से हारे लगता नहीं था कि इंडिया हारी बाजी पलट पाएगी, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी में पहली बार हम मैच जीते हैं और वी आर वेरी हैप्पी। मुंबई का लड़का आके मैच जीत के गया और कंगारुओं को हराने की हिम्मत रखता है। मुंबई का लड़का आकर मैच जीत कर गया। करुण, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरीके से 2-1 से जीत हासिल की है टीम इंडिया ने, मुंबई के लोगों के लिए एक दोहरी वजह ये बनती है कि वो कैप्टनसी जो जिसमें ये जीत दर्ज की गई है, 2-1 से सीरीज हासिल की गई है, वो अजिंक्य रहाणे थे और जिस तरीके से उन्होंने खेला शायद उसकी दरकार थी। करुण, बिल्कुल, अजिंक्य रहाणे की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। मनिंदर जी हमारे साथ मौजूद है। मनिंदर जी, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम को कुछ झटके लग सकते हैं, 2 विकेट लगातार गिर गए थे, रन आउट हो गए थे, चेतेश्वर पुजारा कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अजिंक्य रहाणे यहां पर उतरे, गियर बदला वहां पर और फटाफट स्टाइल में रन मार रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आईपीएल की तरफ अब वो बढ़ रहे हैं और सिर्फ 25 गेंदों में 38 रन उन्होंने बनाए हैं, ये स्टैट्स जो है वो आ रहे हैं यहाँ। देखिए, गियर बदला नहीं, वो पहले ही पांचवी या छठी गियर में बैटिंग करने आए थे, जिस तरह से उन्होंने आते ही स्ट्रोक्स लगाने शुरू कर दिए, ये एक अच्छी बात है अजिंक्य रहाणे की। शेल में नहीं जाते हैं, अगर जाते हैं तो फिर उनको समझ आ जाती है, जाते हैं शेल में लेकिन उनको समझ आ जाती है कि मैं ज्यादा देर अगर शेल में रहा तो फिर मैं रन्स नहीं बना पाऊंगा, और आज उनकी बैटिंग में वो देखने को मिला। उनको शायद ये भी उन्होंने रियलाइज किया होगा कि ये पिच इतनी आसान नहीं है और ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने अगर बहुत ज्यादा शेल में चले गए तो कहीं ऐसा ना हो कि 2-3 विकेट जल्दी गिर जाए और प्रेशर बन जाए, सो इसलिए उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी शुरू की। और आप देखेंगे कैसी भी पिच हो, अगर बैट्समैन अटैक करता है, हमने विराट कोहली के मामले में देखा, सचिन तेंदुलकर के बैटिंग में देखा करते थे, जब वो अटैक करते थे तो बॉलर्स बैकफुट पर चले जाते थे, जो कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के साथ आज किया अजिंक्य रहाणे। बिल्कुल, और जडेजा के भी हम स्टैट्स दिखा रहे हैं। जडेजा ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने काफी प्रभावित किया, 25 विकेट उन्होंने हासिल किए, सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने लिए। अश्विन के रहते हुए अगर कोई दूसरा खिलाड़ी ऐसा करता है तो काबिले तारीफ मनिंदर जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और साथ ही साथ रन भी देखिए, 127 रन एक ऑलराउंडर के रूप में यहां पर उभरे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेज रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम्स पर उन्होंने विकेट्स लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पर उन्होंने रन्स बनाए। अगर आप पहली इनिंग्स में देखें, इंडिया के लिए उन्होंने जो अर्धशतक लगाया वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे था, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था जो 30-35 रन की लीड इंडिया को मिली, ऐसा लगने लगा था ऑस्ट्रेलिया को वो लीड मिल जाएगी, और अगर ऑस्ट्रेलिया को वो लीड मिलती तो शायद रहाणे की स्ट्रैटेजी कुछ अलग होती, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस कुछ अलग होता। बैंगलोर टेस्ट मैच में भी जिस तरह से उन्होंने विकेट्स ली, बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पर ली। जडेजा के जहां तक सवाल है, मुझे लगता है इसमें अनिल कुंबले का और विराट कोहली का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया और उनका कॉन्फिडेंस मैच दर मैच बढ़ता चला जा रहा है, उनका स्टेटस मैच दर मैच बढ़ता चला जा रहा है और बेहतरीन ऑलराउंडर वो साबित होते चले जा रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि पहले ऐसा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका ऑलराउंड परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहता था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में वो बैटिंग में स्ट्रगल करते थे और अच्छी पिचेस के ऊपर बॉलिंग में भी स्ट्रगल करते थे, लेकिन अब उन्होंने अच्छी पिचेस में भी विकेट्स लिए और खराब पिचेस पर भी रन्स बनाए, सो इससे पता चलता है कि उनका कॉन्फिडेंस
किस चरम पर? कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया है, लेकिन आपको लगता है कि पहले जो है कंसिस्टेंसी ऐसी नहीं रही थी जो कि आप कह रहे हैं कि अब जो है वो दिखाई पड़ने लगी है, आगे भी माना जाए कि इस तरह से कंसिस्टेंट रहेंगे? देखिए आनी चाहिए, क्योंकि विराट कोहली जिस तरह से मोटिवेट करते हैं अपने खिलाड़ियों को, वो समझ आ रहा है, वो दिखता है मैदान के ऊपर, उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिखता है, खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज से दिखता है। अनिल कुंबले जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, जो हम लोगों को दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि वो खुद को इतना बढ़िया तरीके से मोटिवेट करते थे जितनी भी उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, और उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि वो अपने खिलाड़ियों को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि जो आदमी अपने आप को कर सकता है उसमें क्षमता होनी चाहिए, जो मुझे लगता है अनिल कुंबले में है, बाकी खिलाड़ियों को भी मोटिवेट करने में। सो आई थिंक अगर कैप्टन की, कोच की, सिलेक्टर्स की बैकिंग हो किसी खिलाड़ी के साथ, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ते चला जाता है, जो कि हमने रविंद्र जडेजा के केस में बिल्कुल। और कोहली तो जडेजा को खास तौर पर भी मोटिवेट करते रहेंगे, क्योंकि 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप से लगातार देख रहा हूं, दोनों में कंपटीशन, एक पॉजिटिव कंपटीशन देखने को मिला है। उमेश यादव की भी यहां चर्चा करनी होगी, जिन्होंने 4 टेस्ट मैच में 17 विकेट लिए। स्पिनिंग ट्रैक भारतीय विकेट को कहा जाता है, और वहां पर आप 17 विकेट लेते हैं, ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों से भी ज्यादा विकेट उमेश यादव मेरे हिसाब से फाइंड ऑफ द सीरीज रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट पिछले 4-5 साल से खेल रहे हैं, लेकिन जिस तरह की लय में उन्होंने बॉलिंग की है इस सीरीज में, इससे इंडियन थिंक टैंक को, इंडियन सिलेक्टर्स को बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। इतना बढ़िया, देखिए रनअप इनका बहुत बेहतरीन है, एक्शन इनका बहुत बेहतरीन है, लेकिन इनको थोड़ी सी इंजरीज वरीज थी, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ बॉलिंग करने की कोशिश करते थे, क्योंकि इनमें वो क्षमता है तेज़ बॉलिंग करने की। लेकिन इस समय जो वो कर रहे हैं, इस पूरी सीरीज में जो उन्होंने किया, उन्होंने अपनी लय बरकरार रखी और आपे से बाहर नहीं निकले, और इसी वजह से आपने जैसे कहा कि टर्निंग ट्रैक्स थे उसके ऊपर भी उन्होंने विकेट्स ली, क्योंकि रिवर्स स्विंग हो रही थी, और जिस स्पीड पे वो बॉलिंग करते हैं अगर उसको कंट्रोल करके करें तो उनको विकेट्स मिलनी चाहिए हर तरह के ट्रैक के ऊपर। इससे एक कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा इंडियन टीम का कि जब फॉरेन दौरे पर जाएंगे, जहां पर की पिचेस ऐसी मिलेंगी जहां पर की बॉल सीम करेगी, बाउंस करेगी, आपके पास एक ऐसा वेपन है, क्योंकि इन पिचेस के ऊपर ऑस्ट्रेलियंस को उन्होंने बाउंसर मार के डरा के आउट किया है, क्योंकि रेनशॉ को अगर आप देखें पहली इनिंग्स में किस तरह से आउट किया, बाउंसर मारे फिर बॉल आगे की, और रेनशॉ उसी छोटी बॉल का इंतजार कर रहे थे, बाउंसर का इंतजार कर रहे थे। सो अगर इन पिचेस पर ये काम कर सकते हैं तो इंडियन टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अच्छी पिचेस के ऊपर और बेहतर। ऑस्ट्रेलिया के या फिर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज या फिर वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज किया करते थे भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ, वो आजकल भारतीय गेंदबाज करते हुए दिखाई पड़ रहे। उमेश यादव शानदार तरीके से यहां पर उभरते हुए दिखाई पड़े, और ट्यूनिंग भुवनेश्वर कुमार के साथ जबरदस्त रही। धर्मशाला टेस्ट की अगर खासतौर पर बात करें तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, धर्मशाला में टीम इंडिया ने 8 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी, और नवरात्र की शुरुआत इस जीत के प्रसाद के साथ की है, जीत का प्रसाद दिया है अपने फैंस को, और 2-1 से इसके साथ ही सीरीज पर कब्जा भी कर लिया है भारत ने। अजिंक्य रहाणे इस मैच में कप्तानी कर रहे थे, और पहली टेस्ट जीत उनकी कप्तानी में भारत को मिली है। राहुल ने सीरीज में 6 अर्धशतक लगाए, जीत के रहाणे की कप्तानी का आगाज हुआ जैसा कि हमने आपको बताया, और जीत से ही नवरात्र की शुरुआत। धर्मशाला में टेस्ट में 8 विकेट से जीत, मनिंदर जी इस जीत को किस तरह से आप आंकेंगे? देखिए बहुत बड़ी जीत है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से पहला टेस्ट मैच जीता था, सभी लोग ये अटकलें लगा रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज जीतने वाली है, लेकिन जिस तरह की वापसी की भारतीय टीम ने, इससे भरोसा जगा है जो भारतीय क्रिकेट प्रेमी है। और एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, मैं भी क्रिकेट खेला हूँ इंडिया के लिए, और जिस तरह से ये जीते हैं और सीजन का एंड है, और जिस तरह से पूरा सीजन घटा है, आई थिंक खिलाड़ी बहुत रिलैक्स फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे, और उनको पता है कि आईपीएल से पहले एक आध हफ्ता है उनके पास इसको एंजॉय करने का, क्योंकि आईपीएल जब शुरू हो जाएगा तो फिर ये सारा खत्म हो जाएगा, सब ये भूल जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी जीत है। चलिए एक बहुत बड़ी जीत है, खूबसूरत जगह पर खूबसूरत जीत, और इसके खूबसूरत लम्हे क्या रहे इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।